भाई ये हल्का आदमी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आ गए एक बार फिर से आपके लिए हम लोग नई वीडियो लेके। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे पास जो बाइकें खड़ी हैं, दोनों ही बाइक हमारी टूरिंग बाइक है। एक है आपकी रॉयल इनफील्ड की हिमालयन 452 जो कि अभी रिसेंटली में अभी ये लॉन्च हुई है। दूसरी है KTM की एडवेंचर 390। वैसे तो भाई बाइकें दोनों टूरिंग के लिए होती हैं, भाई क्रूज़ करने के लिए बाइकें हैं यार, लेके निकल जाए पहाड़ों पर भगाने आगाने के लिए उतना नहीं है। लेकिन हमने कहा क्यों ना एक बार ड्राइव करके देखते हैं क्या रहता है, दोनों का रिजल्ट क्या रहता है, भाई दोनों में से कौन बेटर होने वाली, कौन ज़्यादा भागेगी, कौन ज़्यादा रिफाइन चलेगी। तो चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मिलते हैं किधर बाइक को दिखाते हैं आपको दोनों बाइक का रिजल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। वैसे तो मैंने दोनों ही बाइक नहीं चलाई है, पहली बार चलाने जा रहे हैं। तो चलिए मैं चलाऊँगा पहले हिमालयन 452 और हमारे कुंदन भाई चलाएँगे एडवेंचर 390। आइए देखते हो भाई। अरे सही है यार, बहुत ज़्यादा हाइट भी, मतलब इतनी भी ज़्यादा इसकी हाइट नहीं है भाई, इजीली पैर पहुंच रहे हैं। हम चलाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं भाई, इजीली पैर पहुंच रहे हैं, आराम से पहुंचेंगे भाई, इसकी हाइट है। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। मैंने अभी मैं तो पहली बार चलाने जा रहा हूँ दोनों, वो तो पहली बार चलाने जा रहे हैं। ओ भाई क्विक शिफ्टर का कमाल। शिफ्टर पीछे ही है भाई मेरा। ओ भाई साहब KTM एडवेंचर पावर तो उसमें भी है भाई, पीछे लगा हुआ है। क्या पावर उसमें भी है लगा हुआ है और आज बहुत ज्यादा विंड चल रही है। ओ भाई साहब निकल गया यार ये तो, ओ ये देखिए भाई। देखिए भाई विंड प्रेशर कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा विंड प्रेशर है, बहुत ज्यादा। जैसे ही पीछे आ रहा हूं गाड़ी बहुत तेज हो जा रही है, ये देखिए। ओ भाई साहब, भाई साहब KTM एडवेंचर हार गई, ये उम्मीद नहीं थी मुझे, बिल्कुल नहीं थी ये उम्मीद। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे भी नहीं थी भाई। 167 के अराउंड भगा दी भाई, 167 इनने भगाई थी। और सबसे मेन चीज जो है ना भाई, इनका वेट भी कम है, हाँ। तो थोड़ा सा एडवांटेज भी मिला है, एडवांटेज मिला है, लगता है ऐसा, ऐसा लगता है। अब मैं ये चलाऊंगा तब पता चलेगा, हाँ। क्योंकि स्टार्टिंग में तो निकल गई, तो इनिशियल में तो वो निकलना था भाई। आपको बताइए KTM क्या ही देता है, मैं ये चलाता हूँ देखते हैं क्या रिजल्ट।
एक तो तशरीफ उड़ी जा रही थी। तो ठीक है गाइस चलिए अब मैं ये चलाता हूँ। आपने रिजल्ट देखे हैं? पहला तो आपने देख ही लिया। हवा भी बहुत ज्यादा है ना, विंड हाँ, लग रहा है बहुत है। विंड बहुत है और अब हम चलाने जा रहे हैं। तुम इधर हो, ये हल्का आदमी है, मैं 90 केजी लेके बैठा हूँ। भाई साहब पावर है इसमें, कुछ भी कह लो पावर इसमें। तगड़ी पावर है, बहुत ज्यादा विंड है यार। बहुत ज्यादा विंड है, पीछे है भाई। ब्रेक लगाया ऐसा लगा जहाज उतर गया। इसका ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ इसके ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेवल ज्यादा है ना इसमें। तो भैया अभी आप तुमने देखा भाई इतना बेहतरीन निकला, क्यों शारी भाई कैसा लगा? भाई मजा आ गई, लेकिन भाई है भी तो 450 है, 390 है, 390 है। हाँ। लेकिन भाई प्राइस देखो ना भाई, वही तो बात है ना, मिल रही है 4,02,000 की और ये मिल रही है 3,30,000 की। अभी जनवरी से इसके प्राइस हाइक हो जाएंगे 10,000 रुपए, तो 3,40,000-3,50,000 फिर भी इससे कम है, इससे कम है। तो भाई ये देखो कि भाई मुझे सही बताओ, लुक वाइज भी इन्होंने ये आला जो निकाला मुझे बहुत बढ़िया लगा, बढ़िया लगा और थोड़ा टाइम जैसा फील दे रहा है, टाइम जैसा फील दे रहा है भाई। तो देखिए बाकी तो यार आप लोग की चॉइस है, जो KTM लवर्स हैं भाई वो KTM ही लेंगे। मैं तो रॉयल इनफील्ड लवर हूँ, मुझे लेना होगा तो भाई मैं रॉयल इनफील्ड लूंगा। मैं अपने आपको अपनी चॉइस बता दिए, बाकी आप लोग देखिए कोई वो नहीं है भाई, मैंने बस परफॉर्मेंस दिखाया आप लोगों को। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और बाकी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक कि आप लोग स्टे सेफ, राइड सेफ, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं हमेशा। बाय बाय।